फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेम्बला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एरीज लगन में यदि वीनस 8th हाउस में विराजमान हो जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों, एरीज लगन में वीनस इज ए लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एंड सेवंथ हाउस, और 8th हाउस एक दुष्टाना हाउस है और बड़ा सीक्रेटिव हाउस है, मिस्टीरियस हाउस है। यहां से हम सडन इवेंट्स देखते हैं, अच्छी या बुरी। यहां से हम सीक्रेट रिलेशनशिप्स देखते हैं, यहां से हम स्पिरिचुअलिटी भी देखते हैं। और ये घर बहुत ही डीप है और उलझा हुआ है, यहां से हम डीपर स्टडीज भी देखते हैं। ये ओकल्ट का हाउस है और यहां पर मंगल की 8 नंबर राशि है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर कोई भी प्लैनेट्स जो है बैठ के खुश नहीं है, यानी कि उलझ जाता है यहाँ पर जो भी प्लैनेट आता है। लेकिन ये हाउस किसी की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ही सक्षम है, यानी कि इंसान को ज़ीरो से हीरो बनाने में और हीरो से ज़ीरो बनाने में इसी हाउस का ही काम है। तो आइए देखते हैं कि हमारी वेल्थ फैमिली का और वाइफ और पार्टनरशिप के घर का स्वामी, यानी कि हमारी वेल्थ का स्वामी और रिलेशनशिप का स्वामी 8th हाउस में आ गया, जो कि फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पेरेंट्स की वेल्थ जो है यहां पर, उसका नुकसान हो सकता है और हमारे फैमिली से थोड़े से संबंध भी खराब हो सकते हैं, यानी पेरेंटल फैमिली से। क्योंकि अब हमारी फैमिली का लॉर्ड एक उलझन भरे घर में आ गया और हमारी फैमिली के साथ संबंधों में कुछ सडन चेंजेस आते रहेंगे, कुछ सडन इवेंट्स होते रहेंगे। और यहाँ पर हम अपनी फैमिली की वेल्थ को एक मुसीबत में डाल सकते हैं, एक ऐसे किसी काम में डाल सकते हैं जिससे उस फैमिली की वेल्थ का नुकसान हो जाए और हमारी स्पीच भी मिस्टीरियस हो जाएगी, सीक्रेटिव हो जाएगी। और दोस्तों, ये हमारी वाइफ के घर का भी लॉर्ड है, यहाँ पर हमारी वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप एक अजीब सी हो जाएगी, उसमें कई तरह की अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उसमें हैप्पीनेस की कमी आ जाएगी। हमारे जो रिलेशनशिप है वाइफ के साथ, कंपैटिबिलिटी है, उसमें भी कमी आ जाएगी। और दोस्तों, यहाँ से ऐसा माना जाता है कि इंसान जो है वो अपनी वाइफ के साथ उसके संबंध जो है ना कहीं बिगड़ जाते हैं और उसकी इच्छा रहती है अपने घर से बाहर जाने में, यानी कि उसके कुछ हिडन डिजायर्स रहती हैं और वो बाहर चला भी जाता है। क्योंकि यहाँ शुक्र देव जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इंसान बाहर किसी रिलेशनशिप में जाने का पूरा योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल की एनर्जी भी है, यानी कि 8 नंबर राशि है, 8 नंबर राशि इज फुल ऑफ पावर। तो इंसान को हिम्मत दे देती है वो राशि कि इंसान आउटसाइड मैरिज या इवन बिफोर मैरिज कहीं ना कहीं सीक्रेट रिलेशनशिप में चला जाता है, और ये बहुत पावरफुल योग है। इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं जब तक कोई और ऐसे योग ना बैठे हों जो आपको यहाँ इस तरह के रिजल्ट्स देने में डिफेंड करते हैं, यानी कि रोकते हैं, यानी कि विजडम देते हैं, यानी कि गुरु। तो दोस्तों, ये घर तभी संभल सकता है अगर यहाँ गुरु की दृष्टि आ जाए तो। और यहाँ पर दोस्तों, हमारी वाइफ की थोड़ी हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी और यहाँ पर हमारी हेल्थ भी खराब रह सकती है। हमें शुक्र से रिलेटेड रोग हो सकते हैं, यानी कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स में और किडनी, लीवर
वगैरह में या यूरिन जो ट्रैक है हमारा उसमें भी कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर शुक्र के आने से आदमी ओकल्ट में भी जा सकता है, क्योंकि जो हम एस्ट्रोलॉजी जो ये विद्याएं देखते हैं इसमें दो ही प्लैनेट्स का रोल है, एक गुरु का और दूसरा शुक्रदेव का। तो गुरुदेव जो है वो देवों के गुरु थे और शुक्रदेव दैत्यों के गुरु थे, लेकिन दोनों ही गुरु थे और दोनों में नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, नॉलेज दोनों में ही बहुत ही ऊंचे दर्जे की थी। तो यहाँ पर शुक्र के आने से इंसान ऑकल्ट साइंस में यानी कि एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में या किसी छुपी हुई विद्या में भी इंटरेस्ट ले सकता है और उसमें वो जा भी सकता है। और दोस्तों यहाँ से आपको वेल्थ लेने के भी योग बनते हैं। अब वेल्थ कहाँ से आप लोग, यहाँ बैठा हुआ शुक्र जो है वो दूसरे घर को देखेगा, तो यहाँ पर आप फैमिली की वेल्थ इनहेरिट भी कर सकते हो, इनहेरिटेंस में भी ले सकते हो। आप अपने इन लॉज से भी कुछ ना कुछ यहाँ से वेल्थ ले सकते हो, क्योंकि ये आपके इन लॉज का भी हाउस पर यहाँ वीनस आ गया, तो आपकी वाइफ की सपोर्ट से यहाँ आप अपने इन लॉज से भी कुछ ना कुछ वेल्थ ले सकते हो, ये बहुत बड़ा योग है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये वेल्थ लॉस होने का भी योग है और वेल्थ लेने का भी योग है, यानी कि इनहेरिटेंस का भी योग है और नुकसान का भी योग है। तो हमें पता कैसे चले कि हमें कब क्या मिलेगा, क्योंकि हाउस तो ये बहुत मिस्टीरियस है। तो दोस्तों यहाँ आपको इस हाउस को स्टडी करने के लिए एक दो और चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि यहाँ मेजरली आपको गेंस होंगे वेल्थ के, क्योंकि वेल्थ का लॉर्ड इन्वॉल्व है यहाँ, या आपको नुकसान होंगे, आपकी फैमिली से बनेगी या आपकी फैमिली से खटास पैदा हो जाएगी। ये दोनों तरह के यहाँ पर योग बनते हैं। अब आपने सबसे पहले मून को देखना है, चंद्र को। मून इज ए लॉर्ड ऑफ वेल्थ, इज ए वेरी रॉयल प्लैनेट, और मून से हम सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, लग्जरीज, कन्वीनियंसेस, सब चीज़ें देखते हैं। अगर मून आपके चार्ट में स्ट्रांगली पड़ा हुआ है, यानी कि फर्स्ट हाउस में है, सेकंड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, नाइन्थ में है, तो यहाँ ये समझो कि आपको मेजरली यहाँ वेल्थ के गेन होंगे। और यहाँ पर एक और भी प्लैनेट का देखना बहुत ज़रूरी है, मंगल का, क्योंकि मंगल आपकी पर्सनालिटी है, लगन का स्वामी है। मंगल से आपको ये पता लगेगा कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर मंगल आपके फोर्थ हाउस में नीच का पड़ा हुआ है तो यहाँ लॉस के योग बन जाएंगे, और अगर मंगल एग्जॉल्टेड साइन में है, 10 नंबर में है, तो यहाँ गेंस के हाउस बन जाएंगे। मंगल दूसरे घर में है तो थोड़ा बहुत एग्रेशन फैमिली में बेशक रह सकता है, लेकिन वेल्थ के गेन के योग बनेंगे। मंगल अगर 5वें घर में है तो भी यही योग बनेगा, मंगल 9th हाउस में है तो भी यही बनेगा, 10th में है तो भी यही बनेगा। तो मंगल की पोजीशन और चंद्र की पोजीशन आपको एग्जैक्टली बताएगी कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ी वेल्थ मिलने का योग है या आप लूज कर जाओगे। अगर ये दोनों प्लैनेट्स इल प्लेस्ड हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लूज करोगे, नुकसान करोगे फैमिली की वेल्थ का। और इन्हीं प्लैनेट से आपने अपनी हैप्पीनेस भी देखनी है। अब मून क्या है, दिस इज ए लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस, जहाँ से हम इमोशनल हैप्पीनेस देखते हैं। अगर मून वेल प्लेस्ड है तो यहाँ पर आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं खराब होगी। मंगल स्ट्रांगली पड़ा हुआ है तो आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप ठीक चलेगी। ऑब्स्टेकल ज़रूर रहेंगे, प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, बट द रिलेशनशिप विल कंटिन्यू। और यदि मंगल की पोजीशन बहुत ख़राब है, यानी फोर्थ हाउस में आ गया नीच का, या 12th हाउस में चला गया, या 6th हाउस में आ गया, तो यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आने का पूरा योग बनेगा। और दोस्तों अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शुक्र के बैठने से हमने एक और चीज़ कही है कि इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल में चला जाएगा और उसकी कुछ हिडन डिज़ायर होंगे, ही वुड आई मीन लाइक टू एक्सपीरियंस द हिडन थिंग्स इन लाइफ।
और हिडन थिंग्स पैसे से भी रिलेटेड हैं और रिलेशनशिप से भी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर पड़ा हुआ वीनस इन्हीं दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब पैसे की जो हिडन चीज़ है वो इनहेरिटेंस है, वो हमने डिस्कस कर ली है, या सडन लॉटरी भी मिल सकती है यहाँ की प्लेसमेंट से अगर इस तरह की पोजीशन हो। सूर्य को भी आप देख लो, सूर्य अगर अच्छा पड़ा हुआ है, फिफ्थ हाउस में है, तो सर्टेन हो जाएगा लॉटरी का निकलना, या स्पेकुलेटिव मार्केट से अचानक ही आपको कुछ गेंस मिलना। अगर सूर्य नीच का पड़ा हुआ है, सेवंथ हाउस में पड़ा हुआ है, तो लॉस होने का योग बनेगा सडनली। तो यहाँ पर दोनों तरह के फल मिलते हैं, बुरे भी फल मिलते हैं, अच्छे भी फल मिलते हैं। यहाँ पर हमें दूसरे प्लैनेट्स को देख के ये पता लगता है कि यहाँ पड़ा हुआ वीनस हमें क्या देगा। वीनस से भी हम लिक्विड कैश देखते हैं, और अब ये लिक्विड कैश जो है इसका नुकसान करवाएगा या फायदा करवाएगा, वो दूसरे प्लैनेट्स पे नज़र डाल के ही आपको पता लगेगा। और दोस्तों, यहाँ पर अगर वीनस के साथ राहु आ गया तो ये फिर आपकी पर्सनल लाइफ को और खराब कर देगा, बिकॉज राहु और वीनस की एनर्जी बहुत ही वायलेंट एनर्जी है और बहुत ही ऑब्सेस्ड एनर्जी है। ये आपको रिलेशनशिप में रखेगी और कई बार रखेगी। और दूसरा, यहाँ वीनस के साथ अगर आपका बुध आ गया तो भी यहाँ पर दिक्कतें ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि बुध क्या है, बुध हमारी इंटेलिजेंस है, ब्रेन है, माइंड है। तो आपका माइंड भी वहाँ चला गया और डिज़ायर भी वहाँ चली गई। जहाँ माइंड और डिज़ायर जिस हाउस में चले जाएं, उस हाउस के जो सिग्निफिकेंस है उसको भोगेंगे ही भोगेंगे, क्योंकि आदमी माइंड से प्लानिंग करेगा, ब्रेन से प्लानिंग करेगा, इंटेलिजेंस से प्लानिंग करेगा और सीक्रेट रहेगा और डिज़ायर्स को भोगेगा। तो यहाँ पर इन कम्बिनेशन से भी, या यहाँ पर मंगल ही बैठ जाए तो भी आपको इस तरह के रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के अगर आपके हाउस में प्लेसमेंट है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज रिलेशनशिप, बिकॉज द रिजल्ट ऑफ दीज रिलेशनशिप विल रुइन योर लाइफ। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू बी वेरी फेथफुल इन योर रिलेशनशिप्स इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू ए ब्लिस लाइफ, मैरिटल लाइफ। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम अस, एंड यू शुड टेक केयर इन सच प्लेसमेंट्स विच वी हैव डिस्कस्ड। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि यहाँ पर ये वीनस किस नक्षत्र में हो सकता है। देखिए, यहाँ पर विशाखा नक्षत्र हमने कल छोड़ा था, जो यहाँ पर इस हाउस में एंटर कर जाता है 0 से 3.2 डिग्री तक। विशाखा नक्षत्र गुरुदेव का नक्षत्र है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा माना जाएगा कि वीनस की जो ये क्वालिटी है रिलेशनशिप वाली, इसमें कहीं ना कहीं ठहराव होगा, कहीं ना कहीं विजडम होगी, कहीं ना कहीं रोक होगी, कहीं ना कहीं चेक होगा, एंड ही विल रिस्ट्रेन हिमसेल्फ टू सम एक्सटेंट। और अगला नक्षत्र है शनि का, अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र बहुत अच्छा है शनिदेव का, और अगर अनुराधा नक्षत्र में भी यहाँ पर वीनस पड़ा हुआ है तो भी यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा मैरिटल में ले जा सकता है। और दोस्तों, शनिदेव इस हाउस के कारक भी हैं, यानी सिग्निफिकेटर भी हैं, तो शनिदेव की यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी वीनस को। और वीनस और सैटर्न में बहुत घनिष्ठता है, बहुत मित्रता है, क्योंकि शनिदेव ने अपनी जो एजुकेशन है, नॉलेज है, वो शुक्रदेव से ही ली थी। तो शुक्रदेव इज़ जस्ट लाइक ए गुरु फॉर सैटर्न। तो यहाँ पर अगर शुक्रदेव आ जाते हैं तो शनिदेव उनको ब्लेस करेंगे और इस हाउस के सिग्निफिकेंस से उसको नवाजेंगे, यानी कि देंगे। तो डेफिनेटली इस हाउस का सिग्निफिकेंस ही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर शुक्र इन सब चीज़ों को भोगेगा, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर उसे इनहेरिटेंस मिलने का भी योग बनेगा, क्योंकि सैटर्न विल डेफिनेटली ब्लेस हियर। और ये नक्षत्र मिलेगा आपको 3.2 से 20 डिग्री तक, सॉरी 16.4 डिग्री तक।
शनिदेव का नक्षत्र, यहाँ पर गुरुदेव कंफर्टेबल, वो अपने शिष्य के घर में ही बैठे हैं एंड ही इज़ वेरी कंफर्टेबल, ही विल हैव द प्लेजेंट आई मीन टाइम एंड इन्जॉय द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाउस। और 16.4 से 30 डिग्री तक यहाँ पर ज्येष्ठ नक्षत्र आता है बुधदेव का। बुधदेव और शुक्रदेव में भी मित्रता है और बुधदेव और शुक्रदेव का संगम भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों बुधदेव के भी नक्षत्र में शुक्रदेव विल बी कंफर्टेबल एंड ही कैन एंजॉय द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हाउस। तो दोस्तों यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र इस तरीके से परफॉर्म करेगा एंड दिस इज ए वेरी रिस्की प्लेसमेंट। यहाँ से आदमी कभी कभी आदमी की लाइफ में अप डाउन्स आ जाते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन का योग बनता है। लाइफ के एक रियल टाइम एक्सपीरियंसेस लेके इंसान एक ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो जो इंसान 5-10 साल पहले था वो इंसान बदल जाता है। तो दिस इज़ ए वेरी वेरी डीप एंड मिस्टीरियस हाउस। तो इस हाउस से हमने देखा है कि बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई है। यहाँ से अगर हम मुझे इंस्टेंटली जो याद है अमिताभ बच्चन की लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो भी इसी हाउस से ही हुई है। एक बार वो बहुत ही डाउन आ गए थे और फिर वो यानी कि दोबारा स्टैंड हुए थे। और यहाँ से राजेश खन्ना साहब भी इसी हाउस से ही सुपरस्टार बने थे और फिर वो रुइन हो गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। तो ये हाउस इस तरह का हाउस है, यहाँ से इंसान की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी योग बनता है। तो इस घर की मिस्ट्रीज़ को जानना बहुत मुश्किल है, फिर भी प्लैनेट्स को देख के हमें थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर लग जाता है कि ये हाउस हमें किस तरह के फल देगा। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ दिस इज़ ए सफिशेंट, दिस इज़ ए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड यू आर कनेक्टिंग यूर सेल्फ विद दीज रिजल्ट इफ़ यू हैव स्पेंट सम आई मीन टाइम इन योर लाइफ, आई मीन यू आर 35 और 40 ईयर्स ओल्ड, देन यू विल डेफिनेटली हैव टू एक्सपीरियंस सच इवेंट्स इन योर लाइफ। सो फ्रेंड्स आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे एंड वील सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। माई नंबर इज 9899105355। If you want to contact me, just dial this number and have a nice time. We'll see you soon. Goodbye and thank you very much.